पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई वर्सेस पुलिस और सेंटर वर्सेस स्टेट का जो सवाल खड़ा किया है उसके पीछे है शारदा चिटफंड घोटाला। मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो घोटाला था क्या। शारदा चिटफंड एक इकोनॉमिक फ्रॉड का केस है। आरोप है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स के सोचे समझे नेक्सस ने जनता को मूर्ख बनाया और करोड़ों रुपयों का गबन किया। शारदा चिटफंड एक पोंजी स्कीम थी, मतलब ये किसी इन्वेस्टमेंट मॉडल पर नहीं टिकी थी बल्कि ये स्कीम निवेशकों के पैसे के दम पर चल रही थी। शारदा ग्रुप में करीब 239 कंपनियां शामिल थी। कंपनी ने लोगों को उनके निवेश पर ऊटपटांग रिटर्न देने का वादा किया था। कम वक्त में बेतहाशा रिटर्न के लालच में लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया। शुरुआत में इस पोंजी स्कीम के तहत कुछ लोगों को वादे के मुताबिक रिटर्न भी दिया गया, जिससे इस स्कीम की लोकप्रियता बढ़ने लगी। शारदा चिटफंड घोटाले की जद में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड के करीब 15 लाख से ज्यादा लोग आए। शारदा ग्रुप ने इसी पैसे के दम पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। शारदा ग्रुप ने महज 4 सालों में पश्चिम बंगाल के अलावा भी झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अपने 300 से ज्यादा ऑफिस खोल लिए। कंपनी ने करीब 40,000 करोड़ रुपए जुटाए। शारदा ग्रुप ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाया, लोकल टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर्स को खरीद लिया। कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर में भी अपने पांव जमाए। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट मॉडल का खोखलापन ज्यादा दिन तक छिपा न रह सका। दिसंबर 2012 में इस फर्जीवाड़े का खुलासा होना शुरू हो गया। अप्रैल 2013 में शारदा ग्रुप के 600 से ज्यादा कलेक्शन एजेंट टीएमसी के दफ्तर के बाहर इकट्ठे होकर एक्शन की मांग करने लगे। ठीक उसके बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आदेश जारी किया कि कंपनी को तत्काल प्रभाव से पैसे जुटाने की स्कीम बंद करनी होगी और 3 महीने के अंदर लोगों को उनके पैसे भी लौटाने होंगे। तभी शारदा ग्रुप के हेड सुदीप्ता सेन और देवजानी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2013 में इस केस की जांच एसआईटी को सौंपी गई। अभी के कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार, जो पूरे मामले के सेंटर में हैं, तब इस चिटफंड घोटाले की जांच कर रही एसआईटी का नेतृत्व कर रहे थे। राजीव कुमार पर भी इस केस की जांच ठीक से न करने और सबूतों को मिटाने के आरोप लगे। साथ ही इस घोटाले में कुछ टीएमसी के नेताओं का भी नाम आने लगा। इसके बाद मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूर्वी भारत में शारदा समेत सभी पोंजी स्कीमों की जांच सीबीआई करे। सीबीआई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से गुम फाइलों और दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करना चाहती है। आम लोगों के हजारों करोड़ डूबने के मामले में सीबीआई ने अब तक 80 चार्जशीट फाइल की हैं, जबकि 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर कर लिए हैं। 3 फरवरी 2019 को सीबीआई की कार्रवाई ने मामले को हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील कर दिया। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची सीबीआई की टीम के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं और एक साथ सीबीआई, पीएम मोदी, अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।